इट कैन बी अ गेम चेंजर. यू गाइज हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर मोर देन 350. ये बात आपको कड़वी लग सकती है बट आप कम पढ़ते हो. आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरे सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन हो. हेलो गाइज, वेलकम बैक. आई होप आपकी बिट सेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. बिफोर गेटिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो, मुझे इस वीडियो के रिलेटेड कुछ चीज़ें बतानी है आपको. फर्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर. सेकेंड, आई एम गोइंग टू शेयर स्ट्रैटेजीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम हाई प्रिपरेशन लेवल टू मॉडरेट प्रिपरेशन लेवल टू लो प्रिपरेशन लेवल. थर्ड, बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई टुक रेफरेंस फ्रॉम अदर वीडियोज एंड आस्क सम ऑफ द बिटसेट टॉपर्स अबाउट इट एंड गॉट देयर अप्रूवल. फोर्थ पॉइंट, डोंट फॉलो दिस वीडियो ब्लाइंडली. जो चीजें बताऊंगा उनको ध्यान से समझना और अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे अप्लाई करना. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो कुछ फायदा भी नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. स्ट्रैटेजी फॉर हाई प्रिपरेशन लेवल स्टूडेंट्स, काउंट यूर सेल्फ इन दिस कैटेगरी. अगर आपका सिलेबस मोर देन 80% हो चुका है एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में आप काफी कॉन्फिडेंट हो. कॉन्फिडेंस भी इस लेवल पे होना चाहिए कि लाइक अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे तो बनना ही चाहिए नो मैटर वॉट. सो फॉर स्टूडेंट्स फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी, आपको रोज एक मॉक टेस्ट तो देना ही है और उसे प्रॉपरली एनालाइज करना है. एक मिस्टेक बुक बनाओ जिसमें आप सारे वो कॉन्सेप्ट्स लिखोगे जिनमें आप गलतियां कर रहे हो और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर्स को रिवाइज करना बार बार. यूर शेड्यूल शुड बी लाइक रिविजन, गिव मॉक टेस्ट, देन एनालाइज इट प्रॉपरली. अब जिसमें मिस्टेक्स करिए उन चैप्टर्स की रिविजन, देन अगेन मॉक टेस्ट, देन अगेन एनालाइज इट प्रॉपरली एंड सो ऑन. अगर शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे तो अच्छी बात है, काफी टाइम बचेगा. इफ यू फॉलो दिस प्रॉपरली देन आई मस्ट से यू गाइज हैव द कैपेबिलिटी टू स्कोर मोर देन 350 इन बिटसेट 2023. And believe me, you can do it. Strategy for students with moderate preparation level. Count yourself in this category. अगर आपका syllabus अभी 60-70% हो चुका है and you are confident about some of the chapters. So to increase your score, आपको खुद ही gap नजर आ रहा होगा. First, you all need to complete your syllabus as soon as possible. अगर एक बार पढ़ा है पहले और याद नहीं आ रहा तो no problem. Watch one shot videos to remember and cover everything. आप लोगों को basic idea तो होगा ही कि किस chapter में क्या है और क्या नहीं. तो आप लोगों को अपना syllabus 80% तक तो cover करना ही पड़ेगा. You can start off with these chapters, but याद रखना cover तो सब करना ही है आपको. For physics, so you can start with heat and thermodynamics, then magnetic effect of electric current, then SHM, waves motion, fluids, इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन भी कर देना क्योंकि वो मोर और लेस सेम ही है. एंड लास्टली रोटेशनल मोशन. फॉर केमिस्ट्री स्टार्ट विथ केमिकल बॉन्डिंग, देन बायोमोलिक्यूल्स, देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अल्केन, अल्किन्स एंड अल्काइन्स. फॉर मैथ्स स्टार्ट विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन वेक्टर्स, एंड डिफरेंशियल कैलकुलस और मैटर्स एंड डिटरमिनेंट भी इजी है तो वो भी कर देना एंड प्रोबेबिलिटी. साइड बाय साइड आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाओ जो आपको आते हैं बट उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम है. एंड मॉक टेस्ट आपके लिए, यू कैन गिव वन मॉक टेस्ट इन 3-4 days. बट याद रखना ये सिर्फ अभी के लिए, इन द लास्ट वीक आपको सारे दिन मॉक टेस्ट देने हैं. मिनिमम 5 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं सबको. एंड आप में से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे. पर्सनली मैंने मैथोनगो से दी थी. यू कैन ऑल्सो फॉलो एमवाइब. दोनों मॉक टेस्ट बहुत रिलेवेंट है बिट सेट के लिए. अगेन जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो एज अ मॉक, बट स्पीड का ध्यान रखना. इफ यू प्रॉपरली डू दिस देन यू विल बी एबल टू स्कोर टिल 300. अपर लिमिट तो है ही नहीं, कितना भी कर सकते हो, हिस्ट्री बना सकते हो, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू. आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट गेट कॉलेज एडमिशन. अभी जेई मेंस का रिजल्ट आया है. आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग डिफरेंट कॉलेजेस अबाउट देयर कैंपस लाइफ एंड प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस फर्म विल नॉट ओनली गाइड यू अबाउट दीज थिंग्स बट दे विल हेल्प यू टू गेट द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल. ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी फर्म है तो इट माइट हेल्प यू एट दिस पॉइंट. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन कॉन्टेक्ट दिस नंबर. स्ट्रैटेजी फॉर स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन लेवल लो है, काउंट योर सेल्फ इन दिस कैटेगरी. अगर आपका सिलेबस अभी 60% से भी कम हुआ है, उनमें से भी काफी कम चैप्टर्स है जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो. ऑनेस्टली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये बात आपको कड़वी लग सकती है बट आप कम पढ़ते हो इसीलिए आपका सिलेबस अभी तक कम कवर हुआ है. आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट यू ऑन द लाइन. इसके बाद भी कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड टू स्टडी. अगर आपके अंदर से आ रहा है कि बिट्स में ही जाना है तो रोज पढ़ना स्टार्ट करो कोई भी हालत में. सो फॉर यू ऑल आपको ये चीजें करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ प्रॉपर प्लान.
कि कौन से दिन कौन सा चैप्टर कवर करना है. मेक स्मॉल स्मॉल टारगेट्स और चैप्टर्स कवर करने का सीक्वेंस विल बी लाइक द सेम जो मैंने ऊपर बताया. फर्स्ट इजी, देन मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट. फॉर मॉक टेस्ट अभी मैं आपको बोलूंगा मॉक टेस्ट मत दो, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो. लास्ट वीक में रोज मॉक टेस्ट देना और प्रॉपरली एनालाइज कर. बाकी वही चीजें फॉलो करो जो मॉडरेट प्रिपरेशन वालों को कहा है, बट ज्यादा मेहनत से करना. आई नो थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बट आपको करना ही पड़ेगा. ज्यादा टेंशन मत लो, सेकंड अटेम्प्ट भी है, बट फिर भी पूरी अगर जान इसमें नहीं लगाओगे तो सेकंड में भी कुछ नहीं कर पाओगे. माय एडवाइस, देखो अभी एग्जाम बहुत पास में है, यही स्ट्रेटेजी होती है जो आपको सब बताएंगे, बस अलग अलग तरीके से. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई करना. फर्स्ट स्टेप इज टू स्टडी. टिप्स एंड ट्रिक्स आपके स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, बट स्कोर लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा. वीडियो देख के व्हाट्सएप और इंस्टा पे टाइम पास करोगे तो कैसे स्कोर आएगा यार. तुम लोग मेहनत तो करो, अपना 100% तो दो. अगर अपना 100% नहीं दोगे तो रिजल्ट तो समझ लो कि नहीं आने वाला. ये कॉम्पिटिशन का गेम है. आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट्स ओनली 3 to 4 thousand स्टूडेंट्स विल गेट एडमिशन इनटू बिट. अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो आप पहले इस रेस से बाहर हो चुके हो. तो वही बोलना था, पढ़ाई करो अच्छे से. आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरे सब्सक्राइबर्स का सिलेक्शन हो और वो बच्चे मुझे बिट्स में मिले. अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है एंड इफ इट हेल्प यू इन एनी वे देन कमेंट डाउन बिलो बिट्स एट फोड़ना है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय.